बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। YouTube के इस मुनफरिद चैनल इन्फो इनसाइड में आपका खुशामदीद। नाज़रीन, भारत और चाइना के दरमियान जारी जंग हल्की पड़ती नजर आ रही थी, क्योंकि चाइना खुद से लड़ाई को प्रमोट नहीं करता, लेकिन जब कोई चाइना को छेड़ता है तो चाइना उसको नहीं छोड़ता। अब भारत ने चाइना के एक अलग मसले में टांग अड़ाई है। चाइना की एम्बेसी जो भारत में है उसके साथ क्या किया, ये सब आपको वीडियो में आगे चल के बताएंगे। इन्फो इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन कराम, भारत एक दहशतगर्द मुल्क है जिसका काम ही लड़ना है। अमन से रहना भारतीयों को नहीं आता, इसी वजह से भारत के अंदर भी फसादात होते हैं और भारत के पड़ोसी ममालिक भी भारत से बहुत तंग हैं। नाज़रीन, चाइना एक बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से भी और पॉपुलेशन के लिहाज से भी। भारत की आज तक किसी को समझ नहीं आई कि वो लड़ता क्यों है, हालांकि जब दूसरा मारने पर आता है तो भारत को मार भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। नाज़रीन, भारत चाइना से कभी भी नहीं लड़ सकता, लेकिन फिर भी एक नया पंगा ले लिया और अब चाइना ने भारत को नहीं छोड़ना, भारत ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार दी है। नाज़रीन, 10 अक्टूबर को ताइवान का इंडिपेंडेंस डे था, इसको डबल टेन डे भी कहा जाता है, और भारत में चाइनीज़ एम्बेसी के सामने आरएसएस के गुंडों ने पोस्टर्स लगा दिए जिन पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ताइवान लिखा हुआ था। उसके अलावा भारतीय मीडिया ने भी ताइवान को इंडिपेंडेंस डे पर विश किया था, हालांकि इससे पहले कभी ऐसा भारत ने नहीं किया। नाज़रीन, चाइना और ताइवान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और चाइना ताइवान को दोबारा से अपना हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन सबसे बढ़कर जो चाइना की एम्बेसी के सामने भारत ने पोस्टर्स लगाए वो चाइना को इश्तियाल दिलाने के लिए ही थे, और चाइना ने भारत को मना भी किया कि ऐसा मत करो, लेकिन इस बात पर ताइवान की सदर ने चाइना को शट अप कह दिया, यानी चाइना भारत को ना मना करे। भारत ने अपना ताइवान कार्ड चल दिया। चाइना इस मामले को सुलझाना चाहता था लेकिन भारत ने सब उलझा दिया। अब देखना यह है कि चाइना का भारत पर कैसा रिस्पॉन्स आता है। इन्फो इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।